नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्तम शुक्ला और मैं आपको आज एक अपना टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन कंपनी है, पाटिल ग्रुप कंपनी, उसकी एक मशीन है जो हॉट वर्क्स एक्सेल को डिटेक्ट करती है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं जहाँ से आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले को ऑन करना है नॉर्मल रिमोट की बटन, रेड बटन से, और दूसरा माइक्रोमैक्स का है इस वाले रेड बटन से, दूसरा ऑन हो जाएगा सिस्टम। और इस तरह से ऑन होने के बाद यहाँ पे श्योर करना है कि ये नेट आया कि नहीं आया है। ये देखेंगे, ये नेट कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे, नेट आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो नेट यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो गया। इन केस अगर नेट नहीं कनेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, वापस वाईफाई खोलना है और यहाँ पे जो बीएसपी नेट है उसके नीचे सेलेक्ट नेटवर्क में क्लिक करेंगे। और जैसे ही सेलेक्ट नेटवर्क करते हैं तो देखिए यहाँ पे बीएसपी की जगह कोई और कनेक्ट हुआ होगा, जैसे रेल वायर या तो कनेक्ट हो जाएगा या तो जियो का नीचे दिख रहा है वो कनेक्ट हो गया, उस केस में यहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं दिखाएगा, नेट नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ पे बीएसपी का जाके सीधे क्लिक कर देना और इसको कनेक्ट कर देना है। अब आगे देखते हैं, सेलेक्ट करके ये बीएसपी कनेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे कनेक्ट में क्लिक करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड था तो कनेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं, ये मोज़िला फायरफॉक्स है, इस ब्राउजर को ओपन करते हैं। थोड़ा प्रोसेस स्लो है तो इसलिए जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से। मोज़िला फायरफॉक्स ओपन हो चुका है, तो जैसे ही मोज़िला फायरफॉक्स को लेंगे तो यहाँ पे देखिए रेल मन करके आ गया है, इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करिए सर, और लॉगिन करने के बाद ये आपको सिस्टम आ गया, रेलवे असिस्ट मैनेजमेंट। और यहाँ पे देखिए अगर दो प्रकार की यूजर नेम सेव है, अगर आपको डेटा एंट्री करनी है तो ऊपर वाले में क्लिक करना है, और नॉर्मल अगर लॉगिन करना है तो नीचे वाले में, तो नीचे वाले में एचबीडी में करिए और इसका पासवर्ड सेव है, तुरंत लॉगिन करिए। ये लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कई तरीके की सब पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो जैसे हमारी लेटेस्ट गाड़ी अभी जो निकली है, राजधानी निकली है, 30 अक्टूबर 2022 को 12:14 में निकली है, इसको हम देखेंगे। तो पहले नंबर में क्लिक करते हैं, करिए सर। पहले तो यहाँ पे दिखा दें आपको कि मैक्सिमम टेम्परेचर, चलिए उसको बाद में दिखाते हैं, इस पे हम क्लिक कर चुके हैं। ये यहाँ पे पूरा राजधानी जो अभी निकली है इसकी पूरी गाड़ी की डिटेल आ जाएगी। ये देखिए फर्स्ट इंजन है, सेकंड से बाकी ये पूरे कोच हैं, इधर पूरा कोच आए हुए हैं। तो पहले इंजन में देखेंगे, ये डार्क कलर का है, ये इंजन के एक्सल है, हमें इसको ज्यादा नहीं देखना है, हमें मेन कोचिंग का देखना है। तो हर एक एक्सल का देखिए सामने लेफ्ट साइड और राइट साइड का टेम्परेचर भी बता रहा है और उसकी स्पीड भी बता रहा है। और ऊपर देखेंगे तो आपको मैक्सिमम एक्सल वॉक्स टेम्परेचर दिखा दिया है, एवरेज एक्सल वॉक्स टेम्परेचर दिखा दिया है, स्पीड बता दिया है, और किस टाइप का कोच है, LHB है, ICF है, ये बता दिया है, और टोटल नंबर ऑफ एक्सल इसमें कितने हैं ये भी बता दिया, 94 है। और इन केस कोई अगर हॉट एक्सल का केस आता है तो इस कोच में जो ग्रीन दिखा रहा है ये एक रेड हो जाएगा। मान लीजिए हम एक 10C को क्लिक करते हैं, 10C में क्लिक करिए और इसके बारे में जानना चाहते हैं, इस कोच नंबर की स्पेसिफिकेशन, तो इस तरह का डार्क मोड आ जाएगा। और डार्क मोड में हमें आपको टेम्परेचर देखना है, अगर टेम्परेचर सब नॉर्मल है तो ठीक है, और उसमें भी अगर किसी एक स्पेसिफिक एक्सल को देखना है तो उसमें क्लिक करिए। जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा एक्सल नंबर 39। इसमें अगर कोई अगर हॉट एक्सल होता है या क्रिटिकल एक्सल होता है तो उस साइड में जो ये ग्रीन है ये रेड कलर में आ जाएगा और हमें उसको जाके क्रॉस चेक करना है। तो ये रही पूरी टोटल प्रोसीजर अगर कोई हॉट एक्सल केस होता है उसके लिए। ये तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये अगर इनकेस कोई हॉट एक्सल आ जाता है तो हम इसमें डेटा एंट्री कैसे करेंगे। तो जैसे ही हॉट एक्सल आता है, ये देखिए एक बगल में अलर्ट का है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका आ जाएगा। अभी कोई हॉट एक्सल नहीं आया है इसलिए नो डेटा अवेलेबल आ रहा। और अगर हॉट एक्सल आता है तो सबसे पहले ये लॉग आउट यहाँ से करेंगे,
और नीचे वाली देखिए डाटा एंट्री मोड को ओपन करके, पहले हम नीचे वाली यूज किए थे एसडी एचबीडी, उसके बाद अब ये डाटा एंट्री मोड में जाएंगे। डाटा एंट्री मोड में लॉगिन करने के बाद सेम इंटरफेस ओपन होगा, पर हमें डेटा एंट्री इसकी यहाँ पे करनी है। और ये अलर्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी नो डेटा अवेलेबल आ रहा है, जैसे ही कोई हॉट एक्सेल का केस आता है तो वहाँ पे आपको कई सारे इंटरफेस खुल जाएंगे, और जैसे ही खुलते हैं तो हम वहाँ पे उसको क्या करेंगे, पूरी भर देंगे जो जो डिटेल उसमें मांगेगा जो जो, तो हम उसमें पूरा का पूरा डाल देंगे पूरी डिटेल। तो ये थी टोटल प्रोसेस कि हम अपना टेक्नोलॉजी एंड सोल्यूशन को कैसे यूज करेंगे हॉट एक्सेल के केस में। तो ये थी पूरी प्रोसेस। चलिए देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।